बड़ी खबर की बात करेंगे। इंदौर से खबर, डीएवीवी पेपर लीक मामले में एक्शन लिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, इसमें 1 कंप्यूटर ऑपरेटर है, 2 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ये आरोपी हैं। आपको बता दें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था 25 और 28 मई को। अब इस मामले में बड़ा एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर है, 2 छात्र हैं। पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 छात्र। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था और ये इम्तहान होने थे 25 और 28 मई को। इसका पेपर लीक हुआ, अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर है। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो 3 आरोपी हैं आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट? डीएबीवी लीक के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो पूरा मामला है वो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर पेपर से जुड़ा हुआ है। 2 पेपर जो होने थे उसके पेपर लीक हुए थे। उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई का जमकर हंगामा देखने को मिला था और इसके पहले भी जो पेपर लीक हुए थे उसकी जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन इस बार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने इस पेपर को लीक किया था। उसके 2 सहयोगी थे, बड़े पैसों में ये पूरा डील हुआ था, लेकिन ये जो रैकेट है ये और बड़ा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और भी नाम आने वाले हैं और जब अब जो नाम सामने आने वाले हैं वो डीबीबी के बड़े अधिकारी हो सकते हैं। यही दरअसल मैं आपसे जानना चाह रहा था मिथिलेश, कि इतना बड़ा लीक कांड हो और सिर्फ 3 लोग गिरफ्तार, उनमें से भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर। जी बिल्कुल, पुलिस ने कहा कि ये 3 वो लोग हैं कि जिनकी शुरुआत में जांच जब हुई थी नाम सामने आए थे और इनके पास से जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है पेपर लीक होने के, इनसे बरामद हो चुके हैं। लेकिन इनके कॉन्टैक्ट डीएबीवी में किससे है, किसके कहने पेपर लीक हुआ था और इनके कनेक्शन में कौन लोग है और कितने रुपए में ये पेपर लीक जो होता था वो डील किया, कितने रुपए में होती थी, उसकी कीमत कितनी होती थी। लेकिन बहुत लोग जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं क्योंकि पूरा मामला डीएबीवी के एक पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और बड़ी गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां फरार 5 बाल कैदियों में से 2 को पकड़ लिया गया है। 2 बाल कैदियों को पकड़ लिया गया है, 1 को बामौर से पकड़ा गया और 1 को उसकी मां पकड़कर बाल सुधार गृह लेकर आई। 5 बाल कैदी फरार हो गए थे, 3 की तलाश अभी की जा रही है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। आज ग्वालियर के बाल सुधार गृह से बीती रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 5 जो बाल अपराधी है वो फरार हो गए थे। इनमें 1 हत्याकांड का आरोपी था जबकि 4 चोरी के मामले के आरोपी थे। इनके फरार होने के बाद सुबह से ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और अभी शाम को 1 जो आरोपी है हत्याकांड का उसे बामोर के आसपास से पकड़कर लाई है पुलिस। इसके अलावा 1 जो आरोपी है वो अपने परिवार के पास पहुंचा था, परिवार के लोग उसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे तो 2 आरोपी वापस आ गए हैं बल्कि 3 आरोपी अभी फरार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, जहां चलती गाड़ी में आग लग गई, 2 लोगों की बाल बाल जान बची है। पानी के टैंकर से आग बुझाई गई, दलदल सिवनी विज्ञान केंद्र रोड के पास की यह पूरी घटना है। रायपुर में चलती गाड़ी में आग लगी, 2 लोगों की जान बाल बाल बची है। तत्काल पानी के टैंकर से आग बुझाई गई, दलदल सिवनी इलाका विज्ञान केंद्र रोड, जहां ये आग चलती गाड़ी में ये आग लग गई। इधर खरगोन जिले के भीकन गांव में एक वन रक्षक को इंदौर लोकायुक्त ने, फॉरेस्ट गार्ड को इंदौर लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा है। कांझर बीट का यह वनरक्षक है राम सिटोले। इसने जेसीबी मशीन पर कार्रवाई नहीं करने पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 10,000 रुपए की 1 किश्त पहले ले चुका था, दूसरी किश्त ले रहा था, तभी लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
तुम्हें जेसीबी चलाना हो तो 20,000 रुपये रिश्वत देना पड़ेगी। काम बंद करवा दिया और रिश्वत की मांग की। शिकायत का सत्यापन करवाया गया, शिकायत सही पाई गई तो आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रामलाल सिटेव के वन रक्षक को रंगे हाथ पकड़ा गया। किसान के खेत में मशीन मेरी कई दिनों से चल रही थी, उसके कारण राम सितोले इन्होंने मौके पर पहुंचकर गाड़ी बंद करवाई और मुझसे 50,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी फाइनल राशि 20,000 रुपये तय हुई थी, जिसमें से 10,000 रुपये मैं उनको पहले दे चुका हूँ और 10,000 रुपये आज लोकायुक्त ने 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इधर ग्वालियर में रंगदारी जमाने के लिए फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने सबक सिखाया है। मुरार इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। आपको बता दें, मुरार इलाके में 30 मई को दो बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी थी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। मुरार पुलिस ने दोनों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनकी दहशत को खत्म करने के इरादे से जुलूस भी निकाला। हमने पुलिस मुरार ने तत्परता से कार्य करते हुए कुल दो युवकों को पकड़ा है। उनके पास से एक अवैध हथियार कट्टा और राउंड भी बरामद किया है। साथ ही उसमें जो अपराध था उसमें आर्म्स एक्ट की धारा में भी इजाफा किया है और जो आरोपी हैं उनको मौके पे भी हम लेके गए थे। घटनास्थल की शनाख्त भी कराई है। जो एक शेष आरोपी है उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। इधर रीवा पुलिस अब चिता की राख से हत्या के सबूत जुटाने में जुटी हुई है। मामला जवा थाना इलाके के जनकहाई गांव का। यहां गोली मारकर हुई हत्या के मामले में जब पोस्टमार्टम के दौरान भी मृतक के शरीर से गोली नहीं मिली तो फिर पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद मृतक की चिता से उठाई गई राख को छाना गोली ढूंढने की कोशिश की है। साक्ष्य जुटाने के लिए पहले मृतक के परिजनों से इसके लिए सहमति ली गई, फिर सबूत जुटाने के लिए गोली की तलाश में राख को छाना गया, हालांकि इसमें भी गोली नहीं मिली। भेज रहे हैं ना, बात कर रहे हैं जाल। हाँ जी, भेज लें सब बुला के इकट्ठे आ बोलना। चोरी की कई घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। कई बार चोर मौके पर पकड़े जाते हैं, उन्हें या तो पहले पीटा जाता है या पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन दतिया का एक मामला थोड़ा अलग है। यहाँ इससे अनोखी सजा दी गई और शायद किसी चोर को इस तरह की सजा नहीं दी गई होगी। दरअसल दतिया में देर रात एक जिम में चोर घुस गया। वो इत्मीनान से चोरी कर रहा था, तभी जिम मालिक की नींद खुल गई। उसने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया और फिर ये यहाँ पर पहुँचा और रंगे हाथों इस चोर को पकड़ लिया गया। इसके बाद मालिक ने चोर को सजा के तौर पर ट्रेडमिल पर दौड़ाया और भविष्य में चोरी नहीं करने का संकल्प लिया, तब उसे छोड़ा गया। भोपाल पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो ड्रीम गर्ल फिल्म की तर्ज पर लड़की की आवाज निकालकर लड़कों को फंसा लिया करता था, पैसे ऐंठने का काम कर रहा था। आशु उर्फ छोटू ने ड्रीम गर्ल नाम से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल आईडी बनाई थी। धोखाधड़ी का यह पूरा आइडिया उसको ड्रीम गर्ल फिल्म देखने के बाद ही मिला। कई लोगों को इसने अपना शिकार बनाया। पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी आशु उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन में जल संकट दस्तक दे रहा है। दरअसल गंभीर डैम में सिर्फ 30 जुलाई तक का पानी शेष बचा है। ऐसे में शहर में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ चैनल कटिंग करते हुए पानी का लेवल बढ़ाया जा रहा है। महापौर का यह मानना है कि उनके पास गंभीर डैम के अलावा नर्मदा का पानी भी है, इससे भी प्यास बुझाई जा सकती है। किसी प्रकार की जल की समस्या हमारे उज्जैन में नहीं आएगी। अभी तो हमारे पास 30 जुलाई तक का पानी तो हमारे डैम में आरक्षित ही थी। साथ ही हमारे नर्मदा जी की भी पाइपलाइन हमारे यहाँ आई हुई है, तो आवश्यकता पड़ने पर हम उससे भी काफी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अभी हमने घेरीकरण का काम प्रारंभ किया है। उज्जैन शहर में जल संकट की स्थिति लगातार घेराती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि एक दिन छोड़कर नगर निगम शहर वासियों को पानी की सप्लाई दे रहा है।
लेकिन एक समस्या ये भी है, 30 जुलाई तक का पानी गंभीर डैम में बचा हुआ है जो उज्जैन शहर की प्यास बुझाता है। अब नगर निगम के द्वारा गंभीर डैम का घेरीकरण किया जा रहा है, वहीं पर चैनल कटिंग करके पानी को एक जगह एकत्रित कर शहरवासियों के लिए जो है पंपिंग के द्वारा वाटर बॉक्स तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से शहरवासियों को सप्लाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि 30 जुलाई तक का पानी है, एक दिन छोड़कर नल दिया जा रहा है। यदि समय पर मानसून नहीं आता है तो इसको लेकर शहरवासियों को जल संकट की समस्या से जूझना होगा। इसी के साथ नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि जल संकट की स्थिति बनती है तो समय नर्मदा का पानी लाकर शहरवासियों की प्यास बुझाई जा सकेगी, लेकिन मानसून का इंतजार है और शहरवासियों को उम्मीद है कि समय पर मानसून आएगा और जल संकट जैसी स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 5 वर्दीधारी नक्सली ढेर, हथियारों के साथ सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। ऑपरेशन में 3 जिलों के जवान शामिल थे। गोबेल इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया, डीआरजी के 3 जवान घायल हैं लेकिन हालत उनकी खतरे से बाहर है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। और दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों को ढेर करने पर इस मुठभेड़ पर सीएम साय ने पोस्ट किया है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले के जो सीमावर्ती इलाका है मुंगेड़ी और गोबेल, यहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अंतर जिला संयुक्त ऑपरेशन में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जवानों को मिली कामयाबी सराहनीय है, उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर दम लेगी, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। विश्व पोहा दिवस के मौके पर इंदौर के राजवाड़ा पर पोहा पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इसके साथ साथ विधायक रमेश मेंदोला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पोहे का लुत्फ उठाया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पोहा इंदौर की पहचान है, पूरी दुनिया में हमने इंदौर के पोहे की ब्रांडिंग की, उज्जैन में पोहे का सबसे ज्यादा निर्माण होता है। लोगों से उन्हें आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पिज्जा बर्गर मोमोज खाने से रोकें, पोहा खाने के लिए प्रेरित करें, पोहे से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। पोहा बहुत ही सिंपल बनाने की विधि है, जल्दी हजम होने वाला है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, इसलिए पोहे की मार्केटिंग कर रहे हैं हम। ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब ये जो आ रहे हैं ये बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हैं। पोहे में कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसलिए हमारे बच्चों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। जगदलपुर से बिलासपुर की हवाई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। फ्लाइट के बिलासपुर पहुंचने पर वाटर कैनन के जरिए एक तरह से उसे सलामी दी गई, स्वागत उसका किया गया। हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को ये फ्लाइट रहेगी, इससे जगदलपुर से बिलासपुर का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। सड़क से जगदलपुर से बिलासपुर आने में तकरीबन 9 घंटे लगते हैं। ये फ्लाइट जगदलपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुई। कवर्धा में बदल गया मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली, बारिश ने यहां के मौसम को खुशनुमा बना दिया। तेज आंधी में हालांकि कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हुई, एक ट्रक पेड़ से भी जा टकराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे जरूर देखिए क्रिमिनल्स।